टीम के अन्य सदस्य मौजूद हैं जो यहाँ पर पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगवानी की है मंत्री उदयलाल आंजना ने, और आप ये भी देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आकर के मुख्यमंत्री गाय की पूजा करेंगे। उदयपुर ज़िले के प्रभारी मंत्री, उदयपुर ज़िले के जो प्रभारी मंत्री हैं रामलाल जाट, वो भी सीएम अशोक गहलोत के साथ में आए हैं, और पूर्व मंत्री हैं गरासिया, वो यहाँ पर पहुँचे हैं साथ में। विवेक कटारा जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं उदयपुर ग्रामीण से, कलेक्टर ताराचंद मीणा भी यहाँ पर मौजूद हैं, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, उदयपुर के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट, सभी गाय का पूजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को मेवाड़ी पगड़ी पहना करके उनका स्वागत किया गया है, और जैसा हम बता रहे थे ये जो गाय है इसका नाम कौशल्या है और बछड़े का नाम राम है। तो हमने मंत्री उदयलाल आंजना से भी पूछा था कि क्या ये प्रतिस्पर्धी पार्टियों को जवाब देने की कोशिश है, जवाब देने का तरीका है, लेकिन उनका कहना था कि सनातन धर्म में गाय, राम, कौशल्या, इन पर सभी का अधिकार है। बहरहाल ये तस्वीर पिछले कुछ दिनों में आप दूसरी बार देख रहे हैं, 16 जून को भी ऐसी ही तस्वीर आपको दिखाई दी थी जब जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने गाय का पूजन किया था, जब किसानों के लिए जो किसान महोत्सव की शुरुआत की थी उदयपुर में, और जिस दिन पशुपालकों के खाते में 40,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से जो लंपी में पशु मारे गए थे ट्रांसफ़र किए गए थे, उस दिन भी इसी तरह मुख्यमंत्री ने गाय की पूजा की थी। और गाय की पूजा किसानों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी है गाय, और चाहे खेती में हल जोतने के लिए बैल देने की बात हो या पशुपालक के परिवार के पालन के लिए दूध, दही, घी, छाछ की बात हो, या खेतों में खाद के लिए गाय के गोबर की उपलब्धता की बात हो, गाय एक पूरे अर्थतंत्र का आधार कही जा सकती है, और इसी के कारण इस कार्यक्रम में गाय की पूजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से की गई है। और ये जो गाय है ये पशुपालन विभाग की तरफ से लाई गई है, और बता रहे हैं कि ये गाय काफ़ी भूली मिली हुई है इंसानों में, कई गाय जो होती है वो घबराती है लोगों की मौजूदगी से। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ कृषि भवन में आ रहे हैं, और इस प्रशासनिक भवन का जायजा लेंगे सीएम अशोक गहलोत, और ये जायजा लेने के साथ ही वो देखेंगे कि किस तरह किसानों के लिए की है। बिल्कुल, तुम्हारे सहयोगी तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे, और सबसे पहले पहुंचते ही उन्होंने गौ पूजन किया है। एक गौ यहाँ पर गौ माता खड़ी थी जिनकी पूजा उन्होंने की है, इसके साथ ही एक बछड़ा यहाँ पर, और जिनका नाम गौ माता का नाम कौशल्या और बछड़ा जो है उनका नाम राम रखा। अंकुर आप देख रहे हैं जी, बिल्कुल शशि, साथ में मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, मुरारीलाल मीणा, पूर्व मंत्री मांगीलाल गिरासिया, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कृषि मंडी जो विशिष्ट श्रेणी की है उसका उद्घाटन इन्होंने किया है, और इसमें तकरीबन 488 दुकानें पहले से ही अलॉट की जा चुकी हैं, 700 से ज़्यादा दुकानें इस मंडी में हैं, किसानों को बेहतर सुविधा मिल सके और व्यापारियों को और किसानों को अपने कारोबार के लिए एक जगह पर भागीदारी करने का मौका मिल सके राहुल, उसके लिए यह मंडी बनाई गई है जी। और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया है प्रशासनिक भवन का, और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पौधारोपण करेंगे। अशोक का पौधा, अशोक का पेड़ सीएम अशोक गहलोत लगा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं,
एक सांकेतिक रूप से ये पौधारोपण सीएम की तरफ से किया जा रहा है। देखिए दो बेहद खास तस्वीरें, महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये। पहली तस्वीर जहां पर अशोक का पौधा लगाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए, और दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब उन्होंने गौ पूजन किया। गौ पूजन बात की जाए यहां पर सनातन अगर संस्कृति की, तो सबसे महत्वपूर्ण ये तस्वीर सामने आती है जब गौ माता को पूजा जाता है। और पहली तस्वीर यहाँ पर जहाँ पर उन्होंने पौधारोपण किया, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जहां पर गौ पूजन किया है। और ये तस्वीरें लगातार लाइव भी सामने आ रही है, हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं। जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत जो है वो लगातार यहां पर मंडी में पहुंचे हैं, किस तरीके से व्यापारियों को, इसके साथ ही गौड़ मंडी में किसान महोत्सव का जो है आगाज, यहाँ पर कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और पौधारोपण यहां पर किया गया है। अब किस तरीके से मंडी में सुविधाओं को और ज़्यादा बढ़ाया जाए उसको लेकर ये सुविधा जो है यहां पर प्रदान की गई है। अभी बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उसके साथ ही यहां पर तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं। और गौड़ मंडी में ये आपको बता दें कि प्रदर्शनी, कृषि प्रदर्शनी जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा यहां पर किया गया है। हम यहां से निकलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हमारे सहयोगी शशि मोहन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। शशि, तस्वीरों में देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री वहां से निकले हैं, अब किस तरफ उनका रुख होगा? शशि, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? तो शशि से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए ये लाइव तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मेवाड़ के 3 दिवसीय दौरे पर, मेवाड़ और वागड़ के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उदयपुर पहुंचे हैं और वहां पर गौड़ कृषि मंडी में उन्होंने शुभारंभ किया है। इसके साथ ही किसान महोत्सव को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और बड़ी संख्या में करीब 20,000 के करीब किसान जो हैं वो यहां पर एकत्रित होंगे। वैसे में कृषि में ये प्रदर्शनी लगाई गई है, दरअसल ये प्रदर्शनी पशुपालकों के लिए और किसानों के लिए खोली जाएगी, जिसमें बताया गया है कि स्मार्ट फार्मिंग कैसे की जा सकती है, स्मार्ट फार्म के क्या क्या तरीके हैं, कैसे अलग अलग लेवल की खेती की जा सकती है, कैसे जो ड्रिप इरिगेशन है, कैसे इसराइल में जो खेती होती है कम पानी में, उसको किस तरीके से अब किसान अपने खेत में प्रभावी बना सकते हैं, इन सब चीज़ों को इस स्मार्टफोन में दिखाया गया है। मल्चिंग क्या होती है, मल्चिंग कैसे काम करती है, यह दिखाया गया है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो होता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। एक नेपियर घास यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो एक बार लगाने के बाद में बरसों तक, बताया जाता है 5 से 7 साल तक किसानों को पशुपालन के लिए चारा मुहैया करा सकती है, तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। हाइड्रोपोनिक जो सिस्टम होता है जिसमें पाइप के अंदर खेती की जाती है, पानी डाल करके, पानी सप्लाई करके, वो उसमें दिखाया गया है। इसमें आप देखिए पुदीने के कुछ पौधे लगाए गए हैं ये इसको दिखाने के लिए, और अलग अलग जगह जो नेट शेड है, पॉली हाउस है, वो किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जानकारी दी जा रही है। तो ये सारे काम वो हैं जो एक किसान की आमदनी बढ़ा सकते हैं, उसको स्मार्ट फार्मिंग की तरफ प्रेरित कर सकते हैं, और उन्हीं के लिए यहाँ पर कैसे जो पॉली हाउस, नेट हाउस है, उसमें खीरे की खेती हो सकती है, टमाटर की खेती हो सकती है, शिमला मिर्च और पपीते की खेती भी पॉली हाउस में किस तरीके से हो सकती है, ये मंत्री लालचंद कटारिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उसका डेमोंस्ट्रेशन दे रहे हैं। साथ में कृषि मंत्री
लालचंद कटारिया के साथ में कृषि विपणन मंत्री मुरलीलाल मीणा भी हैं, राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग इस चीज़ का दौरा कर रहे हैं। इसके बाद में एक और एग्जीबिशन लगाई गई है, वहाँ भी सीएम अशोक गहलोत जाएंगे और फिर किसानों के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पहुँचना होगा, वहाँ किसानों को संबोधन किया जाएगा। दरअसल उदयपुर संभाग जो है उसकी टोपोग्राफी आप समझिए, पहाड़ी इलाका ज़्यादा है और छोटी छोटी जोत यहाँ पर किसानों के पास होती है, तो छोटी जोत में किस तरीके से नेट हाउस पॉली हाउस में खेती की जा सकती है और उस खेती से कैसे किसान अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी किसानों के लिए है जो मुख्यमंत्री को अभी डेमोंस्ट्रेट की जा रही है। जी बिल्कुल शशि, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है हर एक मॉडल को ध्यान से देख रहे हैं, बारीकी से उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ ही जो किसान यहां पर जुटने जा रहे हैं 20,000 के करीब जो किसान यहां पर जुटेंगे, सबसे खास बात ये रहेगी कि उन किसानों को इन सारे टेक्निक्स के बारे में जानकारी दी जाए, तो उन किसानों तक ये जानकारी कैसे पहुंचाई जाएगी, क्या सभी किसानों को यहां पर लाकर इन प्रदर्शनी में जो है उनको दिखाया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, कैसे उन तक ये सारी जानकारी पहुंचाई जाएगी? देखिए ये किसान जो आए हैं वो किसान इस सम्मेलन के बाद में इस पूरे डेमोंस्ट्रेशन को देख सकेंगे, जो स्मार्ट फॉर्म किसानों के लिए लगाया गया है उसको वो देख सकेंगे, कैसे सोलर से किसान अपने खुद बिजली की व्यवस्था कर सकता है सोलर के जरिए, विद्युत विभाग की जो बिजली सप्लाई होती है सिंचाई के लिए उसके ऊपर निर्भर नहीं रह करके दिन में किसान सिंचाई का काम कर सकता है, साथ में कैसे मोटर और पंप लगाना है, कैसे ऑटोमेशन आधारित जो सिंचाई हेड कंट्रोल इकाई लगानी है, फोम पॉन्ड कैसे बनाना है, फोम पॉन्ड बन के उसका उपयोग कैसे होगा, फोम पॉन्ड में पानी कैसे आएगा, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ डेमोंस्ट्रेशन सीएम अशोक गहलोत को दिया जा रहा है और इसमें यही बताने की कोशिश कि बदलते समय में किसान और आधुनिक कैसे होगा और बेहतर उसकी आमदनी कैसे होगी और बेहतर तरीके से किसान की प्रगति जो उसके पास उपलब्ध संसाधन है उसमें कैसे हो सकती है। आप देखिए चाहे फ्लावरिंग हो, चाहे फलों की खेती हो, हॉर्टिकल्चर हो, चाहे जो पशुपालन के लिए ज़रूरी घास और दूसरी खेती हो, इन सब की तकनीकों को यहाँ पर दिखाया गया है और इस तकनीक के आधार पर किसान कैसे समृद्ध बन सकता है ये बताने की कोशिश इस आयोजन के जरिए हो रही है। बिल्कुल, और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं शशि, यहाँ पर एक मॉडल भी नजर आ रहा है जिसके बारे में फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो जानकारी लेते हुए नजर आ रहा है, इस मॉडल के बारे में जरा बताइएगा ये क्या मॉडल है? देखिए ये मॉडल ऑटोमेटेड मॉडल है पानी की सिंचाई, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था के लिए, ये किस तरीके से फॉर्म पॉन्ड से ये मॉडल जुड़ेगा, कैसे ड्रिप इरिगेशन से इसके लिए सप्लाई होगी, कैसे अलग अलग टैंकों में कीटनाशक दवाएं और पानी होगा वो आगे सप्लाई हो सकेगा और उसके बारे में इस मॉडल में बताया गया है। जी ये विभाग के अधिकारी हैं उनसे समझते हैं, ये पूरा का पूरा इसको बोलते हैं ऑटोमेशन, ये जितना भी पूरा फार्म है इसमें अगर आदमी के 10,000 मतलब 10 हेक्टेयर का फार्म है तो इसके अंदर जो एक्टिविटी होती है वो सबको ऑटोमेशन के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आप देखते हो शुरुआत के अंदर बगीचा है, उसके बाद के अंदर बगीचा के बाद में सब्जियां हैं, फिर ये पोली हाउस है ये। हाँ तो देखिए सीएम अशोक गहलोत पहुंच गए, उन्होंने देखा ऑटोमेशन और पोली हाउस नेट हाउस किस तरीके से काम करता है, इन सब के बारे में सीएम अशोक गहलोत ने देखा है और वो डेमोंस्ट्रेशन सीएम को दिया जा रहा है। ये जो जरबेरा और दूसरे जो प्लांटेशन है जिसमें फूलों के पौधे भी यहाँ पर हैं वो भी सीएम अशोक गहलोत को बताए जा रहे हैं, साथ में जो कृषि विभाग के अधिकारी थे उन्होंने बताया कि 10 हेक्टेयर तक का अगर फॉर्म है किसान का तो उसमें भी इस ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम के जरिए सिंचाई की जा सकती है, यानी ये एक बड़ा एरिया होता है और उसमें
जो फ्लड इरीगेशन होती है जिसको हम पाणक कहते हैं ग्रामीणों की भाषा में, देसी भाषा में, तो उसमें मैन पावर लगती है, हर थोड़ी देर में पानी का नाका मोड़ना होता है, लेकिन वो सब काम इस ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम के जरिए आसानी से हो सकता है। यह सब कुछ इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है और इसी को किसानों को बताया जाएगा कि कैसे उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है इन सब चीज़ों को अपना करके। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल शशि। तो जिस तरीके से ये ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम ये जो अभी बताया गया है किसानों के लिए बेहद राहत प्रदान करने वाली है, क्योंकि जो मैन्युअली उन्हें काम करना होगा वो खुद ऑटोमेटेड मोड पर यहाँ पर आकर खुद से सारी चीज़ें जो हैं वो होती नजर आएंगी। वैसे में किसानों की जो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उस मेहनत को कम किया जाएगा और कम मेहनत में ज़्यादा फायदा उन्हें यहाँ पर मिल पाएगा। तो वही तमाम टेक्निक्स हैं जिसकी तरफ किसानों को आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश है सरकार की, ताकि कम से कम मेहनत में उनका जो मुनाफा है वो ज़्यादा हो सके और ज़्यादा किसान जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। और एक तरीके से कहा जाता है कि स्मार्टली काम यहाँ पर किसानों को करने को लेकर जो जानकारी है उन तक साझा की जा रही है। किसान जो हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और उन्हें ये जानकारी तमाम जो है वो दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ते हुए तमाम जो मॉडल्स थे उनके बारे में उन्होंने जानकारी ली है, विभागीय जो अधिकारी थे उन्होंने विस्तृत जानकारी उन तक पहुँचाई है और अब मुख्यमंत्री यहाँ पर आगे बढ़ते हुए और कुछ ही देर में देखिए सम्मेलन में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे जहाँ पर संबोधित भी करेंगे। उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शशि। मुख्यमंत्री जो हैं अब वहां से निकले हैं, तमाम जो मॉडल्स हैं उनकी जानकारी ली है, अब किस तरफ मुख्यमंत्री जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं? देखिए मुख्यमंत्री का दो एग्जीबिशन में जाने का कार्यक्रम था लेकिन दूसरी एग्जीबिशन शायद स्थगित कर दी गई है। अब किसानों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़े इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे किसानों के बीच में पहुंच रहे हैं जहां पर वो किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जी अंकुर, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर एग्जीबिशन उन्होंने देखा, उसके बाद अब किसानों के बीच पहुंच रहे हैं क्योंकि लंबे समय से जो किसान हैं उनका इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री के साथ। सीएम को सुनने का उनका इंतजार अब कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री अब सम्मेलन की तरफ उन्होंने रुख किया है और बस कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री किसानों के बीच पहुंच जाएंगे। किसान महोत्सव का आगाज और इसी के तहत कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया और अब किसानों को संबोधित करेंगे। जिस तरीके से किसानों को राहत दी जा रही है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री यहां पर जिक्र करते हुए कैसे उन्हें जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकेगी, राहत जो देने की कोशिश की जा रही है कैसे वो राहत किसानों तक पहुँचेगी उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जिक्र करेंगे। और देखिए अभी अब आयोजन स्थल पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, सभा स्थल पर जहां पर किसान तमाम बड़ी संख्या में मौजूद हैं मंच की तरफ। और ये देखिए मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब चढ़ते हुए और किसानों का जो इंतजार था लंबे समय से किसान यहां पर इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री को अपने बीच पाने की जो उनकी पाने का जो इंतजार था वो खत्म हुआ है और मंच पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। हाथ जोड़कर उन्होंने उनका अभिनंदन स्वीकार किया है। उनके साथ कृषि मंत्री अर्जुन कटारिया, उसके साथ ही कृषि विपणन मंत्री यहां पर मौजूद हैं। देखिए तमाम संबंधित विभागों के मंत्री यहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहां पर मौजूद हैं। देखिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक